दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 4 फरवरी 2023 शनिवार। एक बार फिर से मैं आपके लिए आज की 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल, महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं और 12वीं पास के लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है आवेदन करने का। 10,000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पर निकली है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 4 फरवरी 2023 की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है दिल्ली पुलिस में। पुलिस विभाग के अंतर्गत कॉन्स्टेबल मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की भर्ती निकली है। 7,244 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकली है। इसमें कॉन्स्टेबल के लिए आप देख सकते हो 6,433 वैकेंसीज है, जबकि MTS के लिए 811 वैकेंसीज निकली है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कॉन्स्टेबल की पोस्ट है उसमें 4,310 पद है और फीमेल के लिए 2,123 पद है। यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए UR कैटेगरी के लिए 2,691 पद है, EWS के लिए 468, OBC के लिए 239, SC के लिए 673, ST के लिए 239। इसी तरह फीमेल के लिए UR के लिए 1324, EWS के लिए 231, OBC के लिए 118, SC के लिए 331, ST के लिए 119। इसी तरह MTS के लिए आप कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हो। UR के लिए 381 पद है, EWS के लिए 80 है, OBC के लिए 270 है, SC के लिए 23, ST के लिए भी 57 वैकेंसीज निकली है। बात अगर इस भर्ती की इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट जल्द ही डिक्लेयर की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात अगर यहाँ पर इसमें सैलरी डिटेल की जाए तो 25,500 से 81,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टेबल के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि MTS के लिए 10वीं क्लास पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट कॉन्स्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष है, MTS के लिए 18 से 27 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस आपको ₹100 जमा करनी होगी। SC, ST, PH और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है dillipolice.gov.in, इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकेंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। कॉन्स्टेबल GDS पोर्ट कोटा की भर्ती है। 71 वैकेंसी यहाँ पर इसमें निकली है। बात अगर यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए 20 फरवरी से शुरू होगी। लास्ट डेट 21 मार्च 2023 है। सैलरी 21,700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। 10वीं क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। बात अगर एप्लीकेशन फीस डिटेल की जाए तो जनरल या OBC EWS कैटेगरी के लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। बिना एग्जाम के भर्ती है। डॉक्यूमेंटेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME या रियू मेडिकल एग्जामिनेशन RME के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर ITBPPolice.NIC.in और recruitment.ITBPolice.NIC.in इस पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कंटेनमेंट बोर्ड कानपुर में। छावनी परिषद के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। 13 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है।
बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन इसके लिए 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। लास्ट डेट 10 मार्च 2023 है। सैलरी 21,700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹100 एप्लीकेशन फ़ीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से ही आप फीस पेमेंट कर सकते हो। टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो। कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। kanpur.kent.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में। जी हाँ दोस्तों, BPSMV के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट की अगर यहाँ पर इसमें बात की जाए तो पोस्ट है इसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट, TGT, PGT, PRT, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर, होस्टल सुपरवाइजर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, क्लर्क, लैब अटेंडेंट, अटेंडेंट डार्क रूम, सिक्योरिटी गार्ड, गेट कीपर, चौकीदार, पंप ऑपरेटर, कंप्यूटर असिस्टेंट, क्लर्क या क्लर्क कम DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट और भी यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट इसके लिए निकली है। बात अगर वैकेंसीज की जाए तो 122 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। आवेदन इस भर्ती के लिए भी 12 फरवरी से शुरू होंगे। लास्ट डेट 4 मार्च 2023 है। सैलरी आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेकआउट कर सकते हो। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा PG डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 42 और 50 वर्ष है। USM ESP कैंडिडेट के लिए ₹2,000 फीस है। फीमेल जो यू आर और हरियाणा स्टेट के हैं केवल उनके लिए ₹1,000 एप्लीकेशन फीस है। SC, BCA, BCB, EWS कैटेगरी जो हरियाणा स्टेट के हैं उनके लिए 500 है। जो PWD हरियाणा स्टेट के हैं उनको फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। bpsmv.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है इसरो में। इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। IPRC के अंतर्गत ये भर्ती है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग की पोस्ट है। 100 वैकेंसी यहाँ पर टोटल इसके लिए निकली है। बात अगर डेट की जाए तो इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्टली इंटरव्यू अटेंड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 11 फरवरी 2023 को आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 8,000, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 9,000 सैलरी है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से और बैचलर डिग्री BA, BSc, BCom से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर एज लिमिट डिटेल की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 28 वर्ष आयु सीमा है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 35 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। मेरिट से चयन होगा। बिना एग्जाम के भर्ती निकली है। ऑफलाइन तरीके से ही आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। IBRC.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड UKMSSB के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 1564 वैकेंसीज है। मेल के लिए 1152 जबकि फीमेल के लिए भी 412 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो इस भर्ती की लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। जो 1 फरवरी थी उसको बढ़ाकर अब 15 फरवरी कर दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 15 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 44,900 से 1,42,400 सैलरी है प्रति माह के लिए। GNM, BSc ऑनर्स या BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात की जाए तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹300 फीस है। EWS, SC, ST दिव्यांग जो उत्तराखंड स्टेट के हैं उनके लिए 150 है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। UKMSSB.org ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की
यानी कि 4 फरवरी 2023 शनिवार की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के इम्पोर्टेंट लिंक्स यहीं पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।